अस्सलामुअलैकुम सामीन, 10 ज़िलक़ादा और 19 मई है। ख़बर का उन्वान है वोट चोरी। ये वीडियो हरियाणा की है। ये एक सियासी पार्टी के रहनुमा ने मौके पर बनाई है। उन्होंने इसमें सब कुछ कह दिया है। आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और अपनी राय भी पेश करें। आज लोकसभा के छठे चरण का बैलेट चुनाव है, यानी चुनाव 25 मई को होगा। उससे पहले 85 प्लस बुजुर्गों का और हैंडीकैप का घर घर जाके बैलेट पेपर से वोट डलवाए जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा। ये हमारे प्रशासन के साथी हैं, इनका हम कोई दोष नहीं दे सकते, क्योंकि इनको जिस तरह की इंस्ट्रक्शन सरकार की तरफ से मिली है ये उनको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे ये बैलेट बॉक्स है, इस पर ये एक लॉक लगा हुआ है, कोई सील नहीं है। वो इसके अंदर बैलेट डाला गया है, वो एक इनवेल्प के अंदर डाला गया है, लेकिन इनवेल्प के ऊपर भी कोई सील नहीं लगी हुई है। इसका मतलब इनको उठा के कैथल ले जाके ये सारे के सारे बैलेट चोरी होंगे, इनके ऊपर अपनी सुविधा अनुसार वोट डाले जाएंगे। ये चंडीगढ़ मेयर की तरह एक बहुत बड़ा घोटाला है और प्रशासन को हम आगाह कर देना चाहते हैं, इसको अभी रोका जाए और दोबारा से इसकी मतलब वोटिंग हो प्रॉपर तरीके से। साथ में जो भी लोग मतलब एजेंट हैं या पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उनके नुमाइंदों को सूचित किया जाए, उनके नुमाइंदे साथ में होने चाहिए। जिस तरह से वोटिंग बूथ के अंदर एजेंट बैठते हैं, एक के सूचना जरूर होनी चाहिए, वो भेजते हैं या नहीं भेजते हैं, एक बंदा पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से होना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल महाघोटाले की तरफ संकेत करता है, कोई सील नहीं है, कोई इन्वेल्प के अंदर इन्वेल्प के ऊपर सील नहीं लगाई गई, तो इसको तो कोई भी आदमी वहां जाके खोल के आरोप अपना चेंज कर देगा और गोंद लगाया कर देंगे। वोट तो सील के साथ डलती है। मैंने एक बार नहीं, पार्टियों को पहले बोल रखा है, चलो पार्टियों को बोल दिया, मैं आ गया और आपने मुझे इजाजत दे दी, इसमें कोई बात नहीं, इसका मैं मतलब ज्यादा सा संज्ञान लेने वाली बात भी नहीं है। असली बात तो ये है, आपने मेरे सामने यहाँ इसके अंदर एक इनवेल्प के अंदर इनवेल्प वो क्या नाम है बैलेट पेपर डाल के और इसमें डाली है, उसके ऊपर कोई सील तो नहीं लगी, गोंद लगाया है, हाँ सिर्फ गोंद लगाया है और यहां भी कोई सील नहीं है। अब गोंद और सील से अंधे से अंधा आदमी जज कर सकता है कि ये वोटों की चोरी हो रही है, और इस तरह से ये महाघोटाला मतलब बीजेपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही, ये येन केन प्रकेरणे आरती हुई बाजी को जीतना चाहती है। लेकिन अब की बार इलेक्शन कैंडिडेट कम और जनता ज्यादा लड़ रही है, जनता जागरूक है, इनको सबक सिखाएगी और इस वोटिंग को फौरन रोक किया जाए। हमारी प्रशासन से अपील है कि इस वोटिंग को अभी का भी रोक के दोबारा से इसकी मतलब प्रोसेस की जाए और प्रॉपर तरीके से करवाई जाए। आपको करना सर, अब हमारे लिए तो जवाब ऐसा नहीं, आपका तो हम कुछ नहीं कहेंगे, आप तो प्रशासन, ये जो चीजें आप कर रहे हो ये ऑथोराइज उससे है कि भाई आप ऑथोराइज हो तो कर सकते हो, ऐसा मैंने ये कर दी, मेरी FIR दर्ज करवा दो, मैं अंदर चला जाऊंगा, लेकिन वोटों की चोरी किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। ये गलत हो रहा है, नहीं अधिकारियों से जीत गए तो आपने अकेले कह दिया। सामीन, यह माजून है ताकत का खजाना, इसकी कीमत है 3,000 रुपये। जिन साहब को दरकार हो वो हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर रابطہ कर सकते हैं।